उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा शहर के एक निजी नर्सिंग होम में एनेस्थीसिया के कथित ओवरडोज के कारण एक महिला की मौत हो गई। आपको बता दें, सोपर नादमा कालगोंडर निवासी नजीर अहमद मीर की पत्नी शमीमा अख्तर को सोमवार को नर्सिंग होम NKNH में भर्ती करवाया गया और दोपहर में पित्राशय की पथरी की सर्जिकल हटाने के लिए निर्धारित किया गया था। आपको बता दें, प्रदर्शन कर रहे परिवार वालों ने बताया कि शमीमा की मौत नर्सिंग होम में दिए गए एनेस्थीसिया के ओवरडोज के कारण हुई है। वहीं डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर परिवार के सदस्यों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि शमीमा की नर्सिंग होम में मौत हो गई और डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल हंदवाड़ा में रेफर कर दिया। चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल हंदवाड़ा डॉक्टर नसीर अहमद वानी से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा, अस्पताल में मरीज को मृत लाया गया था। उनका और क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। यहाँ पे हंदवाड़ा में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो वहाँ से कॉल एक आई कि यहाँ पेशेंट एक क्रिटिकल है, तो हमने ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स जो भी अगर कहीं पे कुछ परेशानी होती तो हम एम्बुलेंस भेजते हैं। तो पेशेंट को जैसे ही यहाँ लाया गया तो हमारे कैजुअलिटी में जो डॉक्टर ड्यूटी पे थे, सर्जन हमारे फिजिशियन और बाकी डॉक्टर साहबान, उन्होंने देखा कि ये जो पेशेंट आया था शी वॉज ब्रॉड डेड, मतलब वो मर चुकी थी जब वो हॉस्पिटल पहुंच गई है। हाँ, अब उसका जो कॉज ऑफ डेथ है उसके लिए एक तो इसका पोस्टमार्टम अभी चल रहा है, मतलब इनफैक्ट काफी पहले से वो शुरू हो चुका है तो खत्म करने को होंगे वो। दूसरा, एक हमने टीम भी बनाई हुई है जो कॉज देखेंगे कि एग्जैक्टली पेशेंट के साथ क्या हुआ था। जी सर, ये पेशेंट को क्या प्रॉब्लम थी, ये किस लिए हॉस्पिटल गए थे? हाँ, इनको गॉल ब्लेडर जो पता होता है उसमें पथरी थी, मतलब गॉल ब्लेडर में स्टोन थी, तो वही कोई सर्जरी उनको करवानी थी वहां। तो सर्जरी के दौरान ही जो हमने सुना है लोगों से ही कि कुछ कॉम्प्लिकेशन वहां हो गई, तो पेशेंट को फिर यहाँ रेफर किया गया। तो तो सर, जैसे ही पेशेंट हॉस्पिटल आ गया तो ये ऑलरेडी मर चुका था। तो क्या इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है? जी बिल्कुल, जो एज पर प्रोटोकॉल होता है पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है, उन्होंने कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर लिया है, तो अभी मसला उनके हाथ में है, तो अभी जो बाकी मेडिकल लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो कर रहे हैं। परिवार वाले तो बेचारे परेशान हैं, उनका एक मतलब एक पेशेंट तो मर गया, वो तो नेचुरली उदास ही होंगे, तो लेकिन वो बड़े तमीज वाले हैं, उन्होंने कोई तोड़ फोड़ नहीं की हॉस्पिटल में, अच्छी तरह वो हमारे साथ पेश आए। हमने उनको समझाया कि इसमें हमारा कोई रोल है ही नहीं। जी हाँ, अगर पेशेंट यहाँ आया है तो या इसको लाया गया है तो इसलिए कि अगर इसकी जान है अभी तो हम जो भी कर सकते हैं वो हम कर देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेशेंट तो ब्रॉड डेड ही था, तो हम उसके बाद कुछ नहीं कर पाए। नथिंग टू से येट, आई हैव कॉन्स्टिट्यूटेड टीम, द रिपोर्ट विल बी सबमिटेड विद इन 2 डेज एंड ओनली देन आई कैन पुट अप ए रिप्लाई। इसी मामले को लेकर CMO कुपवाड़ा डॉक्टर बशीर का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। Actually, we received the information at about 5 PM that such incident has happened. We have immediately sent our expert team there. They are investigating the matter, जी and they will give a report till tomorrow. What we will, this is a medical case. We will see what is the exact what has happened. आपको बता दें, स्थानीय लोगों ने ये भी दावा किया है कि अस्पताल मानदंडों को तैर रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य संस्थान में ब्लड बैंक की कमी है जो उन अस्पतालों के लिए आवश्यक है जो सर्जरी कर रहे हैं। इस निजी अस्पताल में ये पहली घटना नहीं है, इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। आपको बता दें, स्थानीय लोगों ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर जानबूझकर मरीजों को सर्जरी के लिए निजी अस्पतालों में स्थानांतरित कर रहे हैं ताकि अच्छा पैसा कमाया जा सके।